हाय दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जैकेट। और ये जैकेट मैंने मंगवाई थी मेरा लिंक से, तो आप मेरा लिंक से मंगवा सकते हैं अगर आपको भी चाहिए तो, जिसके ऊपर आपको साड़ी, सूट, जींस टॉप, ऐसी जैकेट्स, विंटर वियर या फैमिली वियर या फिर बच्चों के कपड़े और होम डेकोर से रिलेटेड भी कुछ सामान चाहिए आपको सजाने के लिए, या फिर बेडशीट या फिर सोफा के कवर, चद्दर वगैरह सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो आप मेरा लिंक से ले सकते हैं और मेरा लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार जरूर विजिट करके देखना कि मैं कैसे कपड़े आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मम्मी खाना खा रही है और आज ये मम्मी ने गाजर की सब्जी बनाई है। थमी बनाई है ना, रेनू बनाई, रेनू तो रेनू ने बनाई है दोस्तों। रेनू भी काफ़ी अच्छी सब्जी बनाती है। और मम्मी के जो है ना इधर दर्द, पूरे दर्द है ना, तो वो कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। 3-4 बार हमने डॉक्टरों को दिखा लिया है और पता नहीं चल रहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं मम्मी को लेके जाऊंगा एक बार फिर से डॉक्टर के पास में। 2018 में शुरुआत हुई थी वजामनगर था जब तो ये 2018 से है दोस्तों कि, कदे कदे सही भी। तो ये खून की कमी से भी होता है कभी कभी। तो एक बार दिखा लेते हैं क्या कमी है, क्या वो है। एक्सरे करवाए कदे? कलर सोनोग्राफी वगैरह अंदर कैमरा डाल के करो तो फिर क्या होगा? सही। तो सब तो सोनोग्राफी वगैरह करवाई थी, वो मैंने भी बताई थी ना कि हड्डी थोड़ी सी खिसक रही है। नहीं परेशानी वाली तो कोई बात को ना, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जैसे साइटिका, सर्वाइकल, तकिए तो मना लगाऊं तो ये भी उड़े उड़े से कभी कम हो जाए, कभी थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो चलो चल लांगा। तो ये भी तो मैं डॉक्टर को ले डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ मम्मी को। कितनी जोर से चप्पल फेंक के ये साड़ियाँ कहीं इनका अस्तर अस्तर ले आई हो, ठीक है? अभी बाकी साड़ी तैयार नहीं कर रही मैं। हाल वाल क्यों नहीं लगवा? फॉल के मैं बांध दूँ जो साड़ी, इनकी फॉल भी हो, ये जरूरी है, ये मैं बांधूंगी उस टाइम पे। नहीं तो है कि तो फॉल अलग आओगी, येलो कलर की। येलो कलर क्या होगी इसकी फॉल? लॉन्ग हो साड़ी, ये पूरी येलो है क्या नीचे तक? अच्छा, और इसको कम देख लियो है, इसको भी ले आई हो आप, इसी लोग है ना, इसलिए ये आप कम करना पड़े, वो करना पड़े। इसमें इस मशीन में फर्श सिलाई वो भी ना मेरे दान से, तो मिल जाएगा, ठीक है? और फिटिंग हुआ हुआ गुलाबी ब्लाउज है ना, उसका नाप भी कर दिया, वो यहाँ रखे ना बनारसी मेरे गुलाबी ब्लाउज। अभी तो है मोटी हूँ, बाद में तो ठीक हो जाऊंगी। एक इसको अस्तर फल के लिए मैं थन बताती हूँ, है अम्मी? ये देखो ये इधर कब रख थी ना, तो ये तो कर दे दूँ खाना। मेरा आया तो मम्मी को है ना डॉक्टर को दिखा दिया है। और जिस डॉक्टर के पास गए थे वो जो महेंद्रगढ़ का बस स्टैंड है उसके सामने है कोई ENT स्पेशलिस्ट, तो गूगल करके मैंने देखा था तो वही दिखा रहा था महेंद्रगढ़ में। तो उधर से दिखा के हम सीधे इधर सब्जी मंडी में आ गए हैं। और ये 30 रुपये KG टमाटर बिक रहे थे इधर, और उधर जो बस स्टैंड है उसके सामने 3-4 ठेले वाले थे, वो 100 रुपये के 4 किलो दे रहे थे। और हमने सोचा कि सब्जी मंडी में सस्ते मिलेंगे, मगर सस्ते थे नहीं। तो इधर हम आए हैं टहनीवाल मैचिंग सेंटर में, ये हैंडलूम की दुकान है सामने जो आप देख रहे हो, उसके बाजू में सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। तो ये जो मंदिर है ना दोस्तों, इससे मेरे को याद आता है कि जो मेरे बाबा थे वो हर साल सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते थे। और ये असल में मंदिर है, और इसके सामने कोई लेडीज है वो सिलाई का काम करती है इस मंदिर के अंदर ही। तो
मेरे एक मन की इच्छा है कि मैं हर साल जो ये सत्यनारायण भगवान की जो पूजा मेरे बाबा करवाते थे ना, वो मैं हर साल करवाऊं जब मेरे पास पैसे हों। तो ये मेरा एक सपना ही है, तो ये मैं करूंगा एक दिन, और हर साल ही करवाया करूंगा मैं भी। तो इस मैचिंग सेंटर पे मैं और मम्मी आए हैं क्योंकि मम्मी को साड़ी की फॉल लेनी थी और कुछ अस्तर वगैरह होता है कपड़ा, तो वो लेना था। तो ये महेंद्रगढ़ की काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है दोस्तों, और इसमें क्या है कि ये चार पांच दुकान है जिसमें सूट साड़ी कुर्ते और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो लेडीज से रिलेटेड ही हैं। जब अरुण की सगाई हुई थी तो भाभी के लिए जो सूट वगैरह लिए थे मम्मी ने, क्योंकि भाभी कॉलेज जाती है तो सूट वगैरह ही ज़्यादा पहनती है, तो मम्मी ने इधर से ही लिए थे। तो मैं ही आया था मम्मी के साथ वो भी दिलवाने के लिए, तो मेरे को याद है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि मेरी मम्मी जो है वो जो महेंद्रगढ़ का जो पुराना गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है उसके जस्ट सामने मेरी मम्मी की कभी दुकान होती थी, और उस दुकान में मम्मी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं फेयर एंड लवली और ये सब कुछ, नेल कटर से लेकर सब कुछ मिलता था उसके अंदर, और सिलाई भी करती थी मम्मी और कढ़ाई भी करती थी। कढ़ाई जो यादव होते हैं वो जो लहंगा और लुगड़ी पहनते हैं, तो वो जो लुगड़ी के ऊपर जो कढ़ाई होती है ना दोस्तों, वो सब मेरी मम्मी को बनाना आता है। और मम्मी के पास में दो तीन मशीनें थी उस टाइम पे, और मम्मी वो दुकान चलाती थी। और हम सब चारों बहन भाई उस ज़माने में छोटे छोटे हुआ करते थे, तो मेरी मम्मी मतलब ये चला के ही मतलब हमारा गुजारा करती थी, और उससे कुछ पैसे बनते थे क्योंकि गर्ल्स कॉलेज के सामने होने से काफ़ी लड़कियां मम्मी की दुकान पे आती थी और सूट सलवार और ये सब कुछ सिलवाने के लिए। और ये जो साड़ियां होती हैं उनमें पिको वगैरह होता है ना, वो भी कढ़ाई की मशीन से ही होता है। तो मैं कभी कभी जाता था मम्मी की दुकान पे, तो मैंने देखा हुआ है मम्मी कैसे करती थी वो सारा काम, तो मम्मी को फुल नॉलेज है इस काम के बारे में। और मेरा क्या है दोस्तों कि ये जितने भी कलर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कलर ब्लाइंड लेंस है, जिसकी वजह से येलो और ऑरेंज के बीच का फ़र्क नहीं पता चलता। और काफ़ी ऐसे कलर हैं जो मेरे को समझ में नहीं आते कि कौन सा कलर कैसा है, क्योंकि काफ़ी बार मम्मी ने मेरे को गिट्टी जो होती है सिलाई के लिए गिट्टी मंगवाई है मम्मी ने मेरे से, और मैं उस गिट्टी को कम से कम 3 से 4 बार चेंज करवा के भी लाया हुआ हूँ, तो मेरे समझ से बाहर होता है ये कलर का। और अभी क्या है कि मम्मी फ़ोन चेक कर रही है क्योंकि आरती ने फ़ोन के अंदर फ़ोटो भेजी है अपनी साड़ियों की, क्योंकि वो काट के दे नहीं सकती थी, और मेरी मम्मी जो है वो कम ही फ़ोन चलाना आता है उनको, तो वो एक ही पेज पे स्टक हो जाती हैं। हमने मतलब स्मार्टफोन चलाना सिखा तो दिया है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ देख लेती है, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी अड़चन हो जाती है। अभी व्हाट्सअप नहीं खुल रहा था, और अभी मम्मी दिखा रही है कि ये फ़ोन साइलेंट रह गया, और मेरे मामा जो हैं उनके फ़ोन कॉल्स आए हुए थे और मौसी के भी आए हुए थे, तो वो अभी जब मम्मी फ़ोन करेगी तो वो मम्मी को बोलेंगे कि हर बार की तरह तूने इस बार भी फ़ोन पहली रिंग में नहीं उठाया। और मम्मी जो है वो कभी भी किसी का भी फ़ोन है ना जो पहली रिंग के अंदर कभी नहीं उठाती, क्योंकि ये फ़ोन ख़राब हो चुका है, दूसरा दिलाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम घर पे आ गए हैं और मम्मी को डॉक्टर ने ये प्रॉब्लम बताई है कि अरे मम्मी के तकलीफ से बात सुन लो कि ले चॉकलेट ले खा दी, चॉकलेट खाओ। तो मम्मी को ये तकलीफ है कि मम्मी का ये जो गला है इधर से ये जो हड्डियां हैं ये थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो कल मैं मम्मी का सीटी स्कैन करवा के लाऊंगा, उसके बाद में मम्मी की जो असली प्रॉब्लम है वो सामने आएगी, तो कल चलेंगे सीटी स्कैन करवाने। ये मेरी माँ बैठी है, ये चॉकलेट लाए हमारे भाई हमारे लिए, दोनों बहनों के लिए और ये बच्चों के लिए। बाल का खतर ही है, मेरे को वही पसंद है, बाल का खतर ही है। बराबर बराबर रुपए की चीज वो चाहिए थी ना, 5 रुपया लिखा बाल के 10 रुपया। ये नु कहता रही है ना भेदभाव करो, बच्चों के लिए मैं डेयरी मिल्क लेके आता हूँ, 5 रुपए स्नैकर स्केचर है के है स्नैकर बिन खाए रहा न जाए। आप दिखाइए स्नैकर मैं बोले हम कर ले नहीं एक ही ले और मैं सब ले आई कुछ ना सही 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 है।
जो भी तो सिंपल ही है, जो भी ना सिंपल है। हाँ, ये मैना के पास मुझे डालकर आने हैं। ले आ दे तू खा ले। धन्यवाद। तू को मेरी पूरी दी आज आधी खाली। हम तो दो हाँ। शक्ल देख तेरी। क्यों? मम्मी ना खुआ गई। तो हम तो हाँ, तू क्यों नहीं लेके आ रहे? लो मम्मी बाल का खाते रही मेरी। अरे मम्मी मैं ये देखो तीन बाल का की हो रही देखो। मम्मी घणो लेके आओ दे बने। छड़ है मेरी जैकेट फट जाओगी। मम्मी फोन दे। हाँ अब लड़ाई कंटिन्यू करो। आप जिसको बहुत अच्छे अच्छे बताते हो ना जिनको, वो देखो असली असली चेहरा उनका ये है। यो पेट आ रहा मम्मी डेयरी मिल्क मांगे दे लो। ए ओए इतने भी तो मिलनी चाहिए ना। तो डेयरी मिल्क तो राघव मंदे तो मेरे तो डेढ़ होनी चाहिए। डेयरी मिल्क करेगी यार 15 रुपए या तो है कि या तो है कि सच्ची बात है टाबर वो भी तेरे लिए बराबर भेदभाव कर रहे हो तू। देखो भेदभाव वो भी ऑन कैमरा यो एक टाबर आ गई यो और मां को कटा दोगा डेला रुपए में से कुछ छोड़ दी सब चॉकलेट खा रहे हैं और भेदभाव हो रहा है। तो गिड़ा है बोली और के सच में खून की खाट तो है। देखिए देखियो नो बोली मैं मूली खाई जो बोली मैं वो खाऊंगा मेरे चबी याद गुना बाबू तो पेटू में तो मम्मी खा लेगी दे चॉकलेट। शिवांश खाओगे ना नन्नी खाओगे तो तू चार लेके आयो तो दो ही उनकी और एक उनकी छोटी की एक बाबूआ हुई उसकी छोटी की तो मम्मी ना खास कर पापा के मैं ये दे दूंगी तो वो दे दे स्नैक कर दे देंगे ना दिया दिखा लेंगे दोनों दिन ले ये खुद के लिए ला दो एक बार तो दोस्तों कमेंट